हेलो 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 साउंड है ना नमस्कार कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है तो शनिवार का दिन आ चुका है और दोपहर का तीन भी बज गया है थोड़ा सा पांच मिनट आज लेट हो गया यार थोड़ा सा माफ कर दीजिए उसके लिए थोड़ा सा क्या है पूरा ही माफ कर देना जब करी रहे हो तो आप लोग ठीक और अपना जो डिस्ट्रिक्ट का जो क्रम चल रहा है उसमें नेक्स्ट जो जिला है बहुत छोटा सा जिला है यह मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी इसको लेकर मैं आप सभी के सामने जो है वो क्या प्रस्तुत हो चुका आप लोग फटाफट से जुड़ जाओ अपने यारों दोस्तों तक शेयर कर दो और फटाफट से मेरे को बताओ कि साउंड दिख रहा साउंड आ रहा है और विजुअल दिख रहा है कि नहीं साउंड कैसे दिखेगा जल्दी से बता दो फिर अपन शुरू करते हैं फटाफट जल्दी बता दो जल्दी बता दो फटाफट यार फटाफट बता दो कि क्या मैं दिख रहा हूँ और क्या आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है क्या ठीक है और बता दो तो फिर फटाफट अपन क्या कर लें शुरू कर लें ऑल क्लियर चलो ठीक है तो फटाफट क्या करते हैं अपन शुरू करते हैं मैं स्क्रीन पर भी देखता रहूंगा कि बेसिकली आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही कुछ डाउट आप लोग लिखोगे तो मैं उसको फटाफट से देखकर जवाब भी दे दूंगा तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं देखिए फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जो है उसको मैं कितने पॉइंट्स में पढ़ाता हूं करके तो डिस्ट्रिक्ट को मैं कितने पॉइंट्स में पढ़ाता हूं चार पॉइंट्स में तो कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे पहले अपन क्या देखते हैं तो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन फिर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री या इतिहास फिर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट का जोग्राफी या भूगोल और फाइनली देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में क्या ट्राइब्स एंड टूरिज्म अगर आपको और डिटेल में देखना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को अपन कवर करते हैं तो यहां पर आई बटन आएगा आई बटन को आप क्लिक कर देना तो मेरा एक ऐसे वीडियो का लिंक मिलेगा जो कि सबसे पहले फर्स्ट वीडियो था इस मोर छत्तीसगढ़ सीरीज का और उसमें मैंने ना डिटेल में समझाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कैसे देखेंगे क्या क्या देखेंगे हिस्ट्री में ज्योग्राफी में ट्राइब्स एंड टूरिज्म में तो वहां पर आप जाकर उस वीडियो को प्रॉपरली देखकर चीजों को समझ सकते हो ठीक है कि नहीं है माधुरी जी क्या हो रहा है बफर हो रहा है क्या बाकी लोगों को दिक्कत नहीं है गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून बफरिंग का दिक्कत तो नहीं आ रहा है किसी को फटाक से बताओ मेरे को जब तक अपना ये डिस्ट्रिक्ट जो है उसका मैप आ चुका है अब इसके मैप को क्या करें लोकेट करने की कोशिश करें तो इसके नॉर्थ उत्तर के तरफ से आप क्या करना दो लाइंस ले लेना फिर क्या करना इसके ना साउथ के तरफ से भी दो लाइन ले लो क्या करना इसके इसके नॉर्थ उत्तर की की तरफ तरफ से से दो लाइन और इसके साउथ दक्षिण भी क्या कर लेना आप लोग दो लाइन ले लेना अब इसके पड़ोसियों के नाम देख लेते हैं इसके उत्तर नॉर्थ की तरफ छत्तीसगढ़ का राजनाद गांव डिस्ट्रिक्ट है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजनाथ गांव अब क्या करते हैं ऐसे पूरा क्लॉकवाइज घूम लेते हैं तो इस तरफ आपको क्या मिलने वाला है तो ये मिलने वाला है आपको बालोद डिस्ट्रिक्ट इसके दक्षिण साउथ की तरफ आ जाओगे आपको मिलेगा कांकेर डिस्ट्रिक्ट और इसके पश्चिम में वेस्ट की तरफ ये बॉर्डर बनाता है किसके साथ तो महाराष्ट्र स्टेट के साथ तो नॉर्थ में उत्तर में राजनाथ गांव है क्लॉकवाइज घूमो बालोद है फिर कांकेर है और महाराष्ट्र है आई होप आप लोग लोकेशन को प्रॉपरली समझ गए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है उसको शुरू कर देते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान होगा मैं आपको बताता था तहसील इस जिले में ना तहसीलों की संख्या कितनी है नंबर कितना है पांच फाइव ठीक है एकदम नॉर्थ से चालू करें तो ये एक है अब इसके दक्षिण की तरफ आना ना तो अगला तहसील ये जो कि जिले का हेडक्वार्टर्स भी है मुख्यालय भी है और इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूं तो बॉक्स में बना रहा हूं ठीक है थोड़ा सा इस बॉक्स को फिल कर देता हूं मैं फिर एक और इसके ना नॉर्थ ईस्ट में एक और इसके साउथ वेस्ट में एक तो तहसील पांच कैसे एक ऊपर था फिर बीच में जिले का मुख्यालय यह तहसील भी है मैं आपको बता दूं तहसील को मैं हमेशा रेड कलर से दर्शाता हूं तो ये रेड में एक डॉट है एक डॉट एक और एक तो ये हो गए चार डॉट्स रेड कलर के और एक बीच में बॉक्स है तो जो बॉक्स है वो जिले का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स भी है नाम क्या क्या है तहसीलों के तो ध्यान रखना सबसे पहला ये जो तहसील है ना इसका नाम है अंबागढ़ चौकी फिर अगला है मोहला और नीचे वाला है मानपुर अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर ये हो गए तीन तहसील ये जो आप देख रहे हैं ना इसका नाम है खड़ गांव और ये जो नीचे तहसील आप देख रहे हैं इसका नाम है औंधी तो हो गया पांच तहसील अंबगढ़ चौकी मोहला मानपुर औंधी और खड़गांव ये पांच तहसील हैं ठीक है कि नहीं है <coughs> खुशबू मैडम रचनाकार वाला बोल रहे हो तो रचनाकार वाला जो सेक्शन है ना करंट अफेयर्स में मैं बताता हूं तो करंट अफेयर्स के सारे वीडियो देखा करो उसमें ना रचनाकार वाला सेक्शन रहता है ध्यान में रखना तो पांच तहसील हुए अगला पॉइंट क्या होता है ब्लॉक या विकास खंड तो यहां पर ब्लॉक्स की संख्या विकासखंडों की संख्या कितनी है तो तीन है ध्यान रखना अंबागढ़ चौकी मोहला और मानपुर ये तीन जो है ना ये तीन विकास खंड है ये तीन तो क्या है ब्लॉक है ठीक है कि नहीं है तो ध्यान रखना पांच तहसील हो गए तीन ब्लॉक हो गए इसके बाद हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो जिला मुख्यालय यहां पर क्या है मोहला तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं फिर से बता रहा हूं कि ऐसे जितने डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में जिनका नाम जो है वो तीन तीन वर्ड वाला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी खैरागढ़ छुई खदान गंडई गौरेला पेंड्रा मरवाही उसके अलावा अपना ये क्या बोलते हैं पहला जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था आप लोगों को मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर तो इन सभी में जो पहला नाम है वो जिला मुख्यालय है पहला नाम क्या है डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है जिले का ये मुख्यालय है इस चीज को आप लोग क्या करना ध्यान में रखना और इस कंसेप्ट को अगर आप लगा दो तो आप इजीली समझ जाओगे कि यहां पर जिले का मुख्यालय क्या होगा चूंकि मोहला नाम पहले आया है इसलिए होगा मोहला तो पांच तहसील तीन विकासखंड जिला मुख्यालय मोहला अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आता है क्या विधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ध्यान रखना यहां पर सिर्फ एक ही विधानसभा है जिसका नाम क्या है मोहला मानपुर विधानसभा एकमात्र क्या नाम है मोहला मानपुर ठीक है अच्छा प्रशासन में अगला जो पॉइंट अपन देखेंगे ना वो क्या है नेशनल हाईवे तो नेशनल हाईवे में ध्यान रखना नेशनल हाईवे नंबर तीस जो कि सितारगंज से निकलकर उत्तराखंड से विजयवाड़ा तक जाता है आंध्र प्रदेश के ये छत्तीसगढ़ में एंटर करता है आता है पहले कहाँ बोडला उसके बाद आता है कवर्धा ये दोनों कबीरधाम जिले में फिर बेमेतरा जिले के बेमेतरा फिर बाजार डिस्ट्रिक्ट के सिमगा फिर रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पहुंचेगा रायपुर और अभनपुर होते हुए ये कहाँ पहुंचेगा धमतरी डिस्ट्रिक्ट के कुरुद और उसके बाद यह पहुंचेगा कहां धमतरी अब ध्यान रखना यह थोड़ा सा ना बालोद काटता है और उसके बाद चारामा और आगे नीचे कहां तक जाता है तो पूरा सुकमा डिस्ट्रिक्ट तक जाता है और फिर वहां से बाहर निकल जाता है छत्तीसगढ़ से यह आपका नेशनल हाईवे नंबर तीस है अब ना यहां पर ध्यान रखना नेशनल हाईवे थर्टी जो है ना जब यह पहुंचता है कहा बालोद डिस्ट्रिक्ट में तो एक जगह है जिसका नाम क्या है पुरूर। ये है कहां पे बालोद में तो पुरूर से एनएच थर्टी का एक तो ब्रांच निकलता है जो आएगा कहां पहले बालोद और बालोद के बाद यह खड़गांव उसके बाद मानपुर और फिर छत्तीसगढ़ से बाहर महाराष्ट्र के करंजी तक जाता है नाम इसका है एनएच 930 तो यह गया है, तो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के पहले कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में आया फिर बेमे तरा फिर बाजार डिस्ट्रिक्ट होते हुए रायपुर और उसके बाद धमतरी फिर पहुंचा कहां यह तो बालोद डिस्ट्रिक्ट बालोद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पुरुष पुरूर से नेशनल हाईवे थर्टी की एक शाखा निकलती है एक ब्रांच निकलता है इंग्लिश में बोलते हैं स्पर। अब ये जो शाखा है पुरूर से निकली बालोदाई फिर खड़गांव फिर मानपुर और महाराष्ट्र के करंजी तक जाती है ये नाम है एनएच नौ छत्तीसगढ़ में लेंथ है 115 किलोमीटर ठीक है कि नहीं है रेड कलर नहीं दिख रहा है किसी पिंक नहीं दिख रहा है रेड कलर तो बढ़िया दिखता है यार हर बार तो रेड कलर यूज करता हूं चलो अब इसके बाद इसी को क्या करता हूं यहां पर प्लॉट कर लेता हूं तो बालोद से आके ये खड़गांव खड़गांव से मानपुर और छत्तीसगढ़ से बाहर ये हो गया एनएच नौ तो पूरे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में देखे पांच तहसील है तीन ठो खंड है हेडक्वार्टर मोहला है विधानसभा मोहला मानपुर है और एक नेशनल हाईवे एनएच ठीक है यहां तक हो गया अब इसके बाद क्या करते हैं तो अब इसके बाद ना हम लोग आ जाते हैं अगला जो पॉइंट है जो कि क्या है इतिहास या हिस्ट्री तो हिस्ट्री इतिहास ध्यान रखना ये जो डिस्ट्रिक्ट है अपना नाम है इसका मोहला मानपुर आप लोग मेरे को बताओ ये छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट है कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट है चलो जल्दी से बता दो मैं आप लोग के कमेंट्स का वेट कर रहा हूं ठीक है मैं आपके बाहर रेड कलर नहीं दिखता बोल रहे हैं चलो ठीक है रेड यूज नहीं करूंगा रेड यूज नहीं करूंगा वैसे पीडीएफ में दिखेगा बढ़िया चकाक ले एकदम मैं बोल रहा हूं मोहिला मानपुर कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट है आप लोग का कमेंट बहुत लेट आता है ना तो मेरे को ना वेट करना पड़ता है खड़े खड़े की कब आही तक कब बताही तक कब मैं सुन हूं? कोई इकतीस बता रहा है कोई उन्तीस बता रहा ट्वेंटी 29 है ये समझ में आया इसका गठन कब हुआ तो वर्ष क्या था 2022 2022 और इसका नाम मातृ जिला कौन सा जिला ये अंत्य तंते हो गया जी अंत्य जिला हो गया था ये हाँ इसका मातृ जिला पेरेंट डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ये था राजनाद गांव अगर आपको दुर्ग संभाग में जिलों के गठन को डिटेल में देखना है तो कबीरधाम वाले वीडियो में मैंने कराया है यहीं पर आई बटन आएगा और उस आई बटन में क्या करना अच्छे से देख लेना समझ गए क्लिक करोगे ना तो वो कबीरधाम वाला वीडियो आ जाएगा उसमें मैंने बताया हुआ है ठीक है तो राजनाथगांव मातृ जिला था पेरे राजनाथ गांव था और ट्वेंटी नाइन्थ नंबर का ये डिस्ट्रिक्ट था 2022 में बना है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहो कि ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान लोकेशन यहां पर है तो नहीं है भैया ठीक है कि नहीं है नहीं है तो हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही है अगला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा अपना ज्योग्रफी ज्योग्रफी में सबसे पहला जो पॉइंट अपन देखते थे वो क्या था चट्टान या इंग्लिश में रॉक यहां पर आपको कड़प्पा चट्टान भी देखने को मिलेंगे और आपको धारवाड़ चट्टान भी देखने को मिल जाएंगे इंग्लिश में स्पेलिंग लिख देता हूं सी यू डी डी ए पी ए एच और धारवाड़ को डी एच ए आर डब्ल्यू ए आर धारवाड़ ठीक है कड़प्पा धारवाड़ दोनों औसादी चट्टान है दोनों सेडिमेंट्री रॉक है इन दोनों के बारे में कई बार बता चुका हूं आप लोगों को आप लोगों को याद होना चाहिए और नहीं तो मेरे पुराने वीडियोस को आप लोग क्या करो जाकर देख लो ठीक है नीचे मैं कमेंट बॉक्स में ना प्लेलिस्ट भी पिन करवा दूंगा तो पूरा पूरा वीडियो अभी तक का आपको दिख जाएगा यह सत्रवे नंबर का है तो इससे पहले एक सोलह वीडियो को जाकर आप क्या कर सकते हैं तो उसमें देख सकते हैं प्ले में ठीक है और प्लेलिस्ट नहीं दिख रहा है ना तो सर्च कर लेना हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में मोर छत्तीसगढ़ करके दिख जाएगा आप लोगों को ठीक ये जो कड़प्पा है सामान्य तौर पे जब आप देखोगे ना तो इससे दो प्रकार के खनिज मिलते हैं एक का नाम है क्या चूना पत्थर इंग्लिश में बोलते हैं लाइम स्टोन और दूसरा क्या है तो है डोलोमाइट चूना पत्थर और डोलोमाइट और धारवाड़ से जो खनिज हमें मिल जाता है वो क्या है लौह आयस्क या आयनोर चूना पत्थर लाइमस्टोन से क्या मिला सॉरी uh, uh, इससे कड़प्पा से कड़प्पा से क्या मिला चूना पत्थर डोलोमाइट दोनों मिल जाते हैं धारवाड़ से धारवाड़ से मिलता है अब एक चीज को समझना मैं ऑलरेडी आप लोगों को जब राजनाथगांव डिस्ट्रिक्ट इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि देखिए खनिज भंडारण मिनरल रिजर्व जो है वो अविभाजित राजनाथगांव में है कैसे है अविभाजित राजनाथगांव अनडिवाइडेड राजनाथगांव तो अलग से अगर कहो कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का अभी पता चल जाए तो नहीं क्यों क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल का रिपोर्ट है ना डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है।, अंक्या थी, तो क्या है? और ये है क्या है तो अविभाजित राजनाथ गांव का है जिसको मैं पिछले वीडियो में क्या हूं बता चुका हूं तो पिछले वीडियो पर जाइए और एक बार उसको देख लीजिए अब क्या किया जाए भाई तो अब जो है ज्योग्राफी में अगला पॉइंट है पर्वत या हिल तो ध्यान रखना ये जो अंबागढ़ चौकी आप देख रहे हैं ना आप आ जाओ इसके दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट की तरफ आपको एक पर्वत मिल जाएगा एक हिल मिल जाएगा इसका नाम क्या है नाम है पानाबरस क्या नाम है इस पर्वत का पानाबरस ठीक है लिख भी देता हूं यहां पर पाना बरस अब ये जो पर्वत है यहां से एक नदी निकलती है पाना बरस से निकली अंबागढ़ चौकी उसके तट पर है और राजनाथ गांव चली गई नदी का नाम क्या है नदी का नाम है शिवनाथ क्या नाम है नदी का शिवनाथ शिवनाथ छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ठीक है कि नहीं है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है क्लियर तो शिवनाथ कहां से निकली पाना बरस अब देखो कुछ लोग आप लोग कहोगे कि सर असल में ये जो शिवनाथ रिवर है शिवनाथ नदी है ये गढ़चिरौली से निकलती है तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो सच्चाई यही है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकलती है लेकिन पीएससी आंसर में ना पाना बरस माना है तो आप लोग प्रेम से पाना बरस मान लेना तो अच्छा है और अगर नहीं मानोगे तो फिर आंसर गलत होगा और कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो नदी एक ही है महत्वपूर्ण टाइप की नाम है क्या शिवनाथ और दूसरा कहां से निकलती है पानाबरस पर्वत से अब आप कहोगे कि सर नदी एक और है जिसका नाम है क्या तो नाम है कोटरी तो मैं आपको बता दूं पिछले वीडियो में ही मैंने कहा था कि कोटरी जो है अब इसका उद्गम डॉक्टर एल वर्मा की बुक में क्या लिखा हुआ है राजरा की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी राजरा की पहाड़ी तो इस डिस्ट्रिक्ट में उसे छोड़ सकते हो क्योंकि राजरख पहाड़ी यहां नहीं है बालोद में तो इस डिस्ट्रिक्ट में इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि राजरख पहाड़ी कहां है बालोद में तो एक ही महत्वपूर्ण नदी यहां से कौन सी शिवनाथ इसको ध्यान रखना और शिवनाथ नदी के ऊपर यहां पर एक परियोजना प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम क्या है तो नाम है मूंगरा बैराज कौन सा बैराज मूंगरा बैराज ठीक है अच्छा नदी से परियोजना तो देख ली जलप्रपात कहोगे तो कोई महत्वपूर्ण जलप्रपात यहाँ पर है नहीं फिर ज्योग्राफी में कहोगे कि कोई महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थल या उद्योग मिल जाए तो नहीं इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है कोई इंडस्ट्री भी नहीं है ना कोई नेशनल पार्क है ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी है बहुत बढ़िया जिला है ये एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को तो ज्योग्राफी में आपको बस इतना ही देखना था और कुछ भी नहीं है लास्ट में क्या है तो जनजाति और पर्यटन ट्राइब्स एंड टूरिज्म तो जनजाति यहां पर आपको मिलेगी हल्बा और मिल जाएगी क्या गोंड कौन सी जनजाति हल्बा और गोंड पर्यटन टूरिज्म में देखोगे तो ध्यान रखना ये जो अंबागढ़ चौकी है यहां पर फेमस एक मंदिर है कौन सा अंबा देवी मंदिर समझ गए तो जनजाति पर्यटन ट्राइब्स एंड टूरिज्म में तो जनजाति कौन सी है हलवा गोंड और पर्यटन टूरिज्म में अंबागढ़ चौकी में अंबा देवी मंदिर है ठीक बात है कि नहीं है सर, पाना बरस मैकल सीरीज में नहीं आता क्या आशीष असल में मैकल सीरीज का जो विस्तार है ना ये नेशनल हाईवे नंबर फिफ्टी थ्री के उत्तर की तरफ से शुरू होता है समझ में आया तो नेशनल हाईवे थ्री का उत्तर मतलब किसकी बात होने लगी तो उसकी बात होने लगी थोड़ा सही सा हिस्सा राजनाथगांव और खैरागढ़ ठीक है तो मैकल का विस्तार यहां पर नहीं दिखेगा बिल्कुल नहीं ठीक है तो यहां पर इतना ही कंटेंट है भैया मैं बोला था कि एकदम नानकन जिला है देखो तुम दिल खुश हो जाए इसे लगी हे भगवान सभ्य जिला इसमें रहतीस कद का मजा आ जाती इसकी के ठीक है लेकिन अब क्या करोगे तो इस महीने इस हफ्ते शायद खुशी है तो अगले हफ्ते क्या हो जाएगा आपको दुख हो जाएगा और अधिक से अधिक क्या हो जाएगा ठीक तो यहां पर ये जो वीडियो है उसका कंटेंट हो जाता है खत्म अच्छा अब आप लोग कहोगे कि सर इसमें इस क्वेश्चन तो ध्यान रखना यार इस जिले में ना दो ही क्वेश्चन बन सकता है एक तो क्या शिवनाथ का उदगम के एमसीक्यू पूछेगा तो क्या है आंसर पाना बरस का पर्वत और दूसरा पूछ देगा मोंगरा बैराज कहां है तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है कि नहीं है दो ही क्वेश्चन उदगम और मोंगरा बैराज बाकी कहानी खत्म है ठीक है तो अगर कोई आपको डाउट नहीं है दिक्कत नहीं है तो फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं क्योंकि कंटेंट तो समाप्त हो गया ठीक है कि नहीं तो फटाफट मैं इंतजार में हूं आप लोगों के कमेंट के मेरे को बता दो तो वीडियो खत्म किया जाए फटाफट फटाफट बताओ सुख और दुख जीवन का हिस्सा है हाँ ये ना ध्यान रखना यूरोप में ना एक कंसेप्ट है कि समय लीनियर है एक लाइन में चलता है करके और इंडिया में ना हमारा कंसेप्ट अलग है हमको लगता है लगता नहीं है हम मानते हैं कि टाइम जो है वो कैसा है सर्कुलर है मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर सतयुग तो वैसे ही सुख और दुख जो है ना वो खतरनाक टाइप गोल 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 घूमता रहता है तो अभी सुख पाए हो अगले बार दुख पा जाओगे जी फिर उसके बाद सुख मिलेगा ठीक है चलिए तो मेरे हिसाब से तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये क्लास खत्म मत करिए तो क्लास खत्म नहीं करूंगा तो डिस्ट्रिक्ट तो खत्म हो गया है जी कैसे करते हो लड़का लोग जैसे चलो ठीक है तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूं और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में तब तक ले थैंक यू एंड टेक केयर अच्छा दूसरी बात बता रहा हूं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये जो पैकेज है दो सौ महीने का है ज्यादा नहीं है महंगा इसको आप लोग परचेज कर लो मोर छत्तीसगढ़ नाम है इस पैकेज का हमारे वेबसाइट पर जाओगे ना तो बढ़िया से आप मोर छत्तीसगढ़ टाइप करोगे पैकेज दिख जाएगा नहीं तो नीचे लिंक डलवा दूंगा मात्र टू हंड्रेड में इसका पूरा पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं ठीक चलिए तो मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में तब तक ले थैंक यू एंड टेक केयर